हरियाणा के हिसार के हांसी में सैनी हीरो मोटर्स के मालिक एवं जजपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र सैनी की सरेआम गोलियां मारकर हत्या की साजिश में शामिल चार आरोपियों को एसटीएफ ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। सोमवार शाम इन्हें हांसी लाकर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन चारों में सैनी पर हमला करने वाले शूटर नहीं है, लेकिन ये साजिश में शामिल रहे हैं। इनसे पूछताछ कर सूत्रों का सुराग लगाया जाएगा। हाजी पुलिस के अधीक्षक मकसूद अहमद ने बताया कि चारों आरोपियों को पुलिस व एसटीएफ की ज्वाइंट टीम ने गिरफ्तार किया है। इन्होंने रविंद्र सैनी पर गोली चलाने वाले शूटरों को भागने व अन्य कार्यों में मदद की थी। उनके भागने के दौरान ये भी साथ रहे। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए चारों आरोपी पहले राजस्थान और फिर गुजरात जा पहुंचे थे। इनकी गिरफ्तारी से चारों शूटरों तक पहुंचना आसान होगा। फिलहाल इन्हें रिमांड पर लिया है। रविंद्र सैनी की 10 जुलाई की शाम 6 बजे उनके शोरूम के बाहर चार हमलावरों ने 5 गोलियां मारकर हत्या की थी। हत्या के बाद चारों एक ही बाइक पर सवार होकर फरार हो गए थे। बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं होने पर 12 जुलाई को व्यापारियों ने बाजार बंद रखा था। वहीं चंडीगढ़ गए प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आश्वासन दिया था कि आरोपियों को 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रविंद्र सैनी के हत्यारों को पकड़ने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 दिन का समय दिया था। अब ऐसे में चार आरोपियों की गुजरात से गिरफ्तारी के बाद राहत की सांस ली है। वारदात में मुख्य साजिशकर्ता विकास उर्फ विक्की से एडीजीपी एसपी हांसी और एसटीएफ इंचार्ज ने कई घंटों तक पूछताछ की थी, जिसके बाद पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे थे। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए हांसी पुलिस पर राजनीतिक के साथ साथ शहर के लोगों का भी दबाव था। बता दें कि 10 जुलाई को 3 लोगों ने रविंद्र सैनी की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी चौथे युवक के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हुए थे। चारों आरोपी भागते समय सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए थे। आरोपित कुछ दूरी के बाद गाड़ी में सवार होकर फरार हुए थे। इस दौरान वो लोकल रूट से होते हुए राजस्थान में एंटर हुए थे, जिसके बाद आरोपित राजस्थान से होते हुए गुजरात जा पहुंचे, जहां से शूटर अलग हो गए थे। सैनी की हत्या के विरोध में एक दिन हांसी बंद का भी आह्वान किया गया था। रविंद्र सैनी की हत्या के विरोध में शुक्रवार को हांसी बंद का आह्वान किया गया था। आह्वान के चलते हांसी के व्यापारियों ने बाजार की सभी दुकानें बंद रखना समर्थन दिया था। सुबह 8 बजे बड़सी गेट पर सभी संगठनों के लोग एकत्रित हुए थे। करीब 2 घंटे के धरने के बाद रविंद्र सैनी को 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद व्यापारियों द्वारा पूरे शहर में पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च बड़सी गेट से शुरू होकर जींद चौक, चौपटा बाजार, छावड़ा चौक, उमरा गेट, पुरानी सब्जी मंडी, जाट धर्मशाला होते हुए कारोबारी बड़सी गेट पहुंचे थे। अब चार आरोपियों की, जो चारों साजिशकर्ता हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगेंगे और मामले की छानबीन की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।